उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले भारत में विभिन्न संस्कृतियों की झलक दिखती है। भारतीय संस्कृति में मिठाइयों का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई समारोह हो, त्योहार हो या घर आए मेहमानों का स्वागत करना हो, यहाँ हर खुशी के मौके पर मिठाई बांटी जाती है। यहाँ आपको पकवानों में, खास करके मिठाइयों में भी विविधता मिलेगी। इन्हीं में से एक स्वादिष्ट मिठाई है पेड़ा, जिसका जायका उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से निकलकर पूरे देश में फैल चुका है। मुख्य तौर पर मावा और शक्कर से बनी इस मिठाई को धार्मिक अनुष्ठानों में प्रसाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कृष्ण जी के टाइम से पेड़ा चला रहा है फेमस। दूध से खोआ बना, खोए से फिर पेड़ा बना, ऐसे प्रोसेस चली आ रही है। जो आदमी मथुरा में श्री कृष्ण जी के दर्शन करने आता है, बिहारी के दर्शन करने, वो प्रसाद के रूप में पेड़ा ही ले जाना पसंद करता है। लाजवाब स्वाद के लिए लोकप्रिय पेड़े का उद्योग सफल उद्यमी बनने के आपके सपने को साकार कर सकता है। IID के इस वीडियो में आपको पेड़े के व्यापार से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। पेड़ा बनाने के व्यवसाय के लिए आपको कितनी जगह चाहिए, इसका चयन अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। वीडियो में दिखाया गया एरिया 30,000 स्क्वायर फीट है, लेकिन आप कम जगह में भी ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पेड़ा बनाने के लिए कच्चे माल या रॉ मटेरियल में दूध, शुद्ध घी, शक्कर और इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी पैकिंग के लिए आपको बॉक्स की भी जरूरत होगी। पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले दूध को पकाना है, जिससे दूध गाढ़ा होकर मावा बन सके। दूध पकाने के लिए कुकिंग केटल विद स्टरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक बार में 40 से 45 मिनट में 20 किलो दूध पका सकते हैं। कुकिंग केटल की जगह कढ़ाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें दूध से मावा बनने में ज्यादा समय लगेगा। कुकिंग केटल में दूध जब मावा बन जाएगा, तब इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे भुनाई करते हुए कढ़ाई में पकाना है, जहां इसका रंग गोल्डन ब्राउन नजर आने लगेगा। अब इसे ट्रे में निकाल कर इसमें थोड़ी शक्कर और घी डाला जाएगा और मैन्युअली इसे मिला लेना है। इसके बाद फिर से कढ़ाई में पकाना है। पकने के बाद इसे ट्रे में ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें फिर से बची हुई शक्कर का पाउडर और इसके साथ इलायची पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे पहले हाथों से पेड़े की रफली शेप देने के बाद आप इसे पेड़े का फाइनल आकार देकर डब्बे में डालकर वेट कर लेंगे। इसके बाद पैकेजिंग मशीन से इन्हें पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। पेड़ा बनाने के व्यवसाय को आप 25 से 30 लेबर के साथ शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लोड की बात करें तो जो प्लांट आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता होगी। स्मॉल स्केल पर 100 KG रेटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी के प्लांट के साथ इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 8 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर और 10 से 12 मैन पावर की आवश्यकता होगी और लगभग 10 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। 100 KG रेटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी पर काम कर रहे प्लांट से आपको 20 से 25% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। पेड़े का व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ जरूरी लाइसेंस लेने होंगे, जिनमें FSSAI, उद्यम फायर सेफ्टी बोर्ड से NOC और NOC फ्रॉम फायर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शामिल है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। विश्व पटल पर भारत की मजबूत छवि बनाने और आर्थिक दृष्टि से देश को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की पहल की है। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत सरकार के इस सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसीलिए हम आपके लिए अपने हर वीडियो में किसी न किसी व्यापार से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। व्यापार संबंधी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या फिर एक्सपर्ट एडवाइस के लिए स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के जरिए हमसे संपर्क करिए। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन
एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको अपने बिजनेस से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर।